आपके पार्टी के चीफ नागालैंड के, जो पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे, मैं वातुंगो हाथियों से गुजारिश करूंगा, जो पार्टी के चीफ है, प्रेसिडेंट है नागालैंड के, कि ऑनरेबल शरद पवार उनका भी सत्कार करें। शॉल श्रीफ शॉल पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह। अब मैं हमारे लीडर ऑफ हमारे जो विधायक दल के नेता है पारंपरिक, और उस वेज आई रिक्वेस्ट यू मिस्टर पिक्टो द ट्रेडिशनल आउटफिट विच यू हैव कम विथ फ्रॉम नागालैंड टू, सो प्लीज यू कैन कीप इट हियर। इन्होंने कुछ वेशभूषा नागालैंड, ये एक ट्राइबल एरिया है, एक उत्तर पूर्वी राज्यों का बड़ा ही दूर और दुर्गम इलाका है, वहां पे एनसीपी का झंडा, ये बहुत ही ताकतवर नेता है वहां के, मैं हमारे विधायक दल के नेता इंजीनियर सोहे से मैं आई रिक्वेस्ट हम तुम्हारे साथ हैं। ये नागालैंड का पारंपरिक एक वेशभूषा है, ये सम्मान है, ये आदरणीय एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान रहते हैं, प्रफुल्ल पटेल जी का भी, मैं हमारे पार्टी के चीफ पदों से एनसीपी नागालैंड के चीफ से कहूंगा कि वो प्रफुल्ल भाई का भी ट्रेडिशनल वेशभूषा से ये उनको ये करें। दोस्तों मैं सिर्फ इतना कह के कंक्लूड करूंगा कि ये चिंतक हौसला अफजाई कीजिए जोरदार तालियों से। देयर विल बी अ ग्रुप फोटोग्राफ। सर 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 थैंक यू सो मच। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं, all the MLAs, this function will be concluded by lunch, you're going to be with us, please take your seat, hand over to honorable hello MLA, please पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार जी मंच पर आसीन, हमारे वरिष्ठ नेता प्रदीप गुंजल जी भैया साइड हो जाओ पोडियम से, हमारे वरिष्ठ नेता अजीत पवार जी पोडियम से साइड हो जाओ, हमारे साथी के शर्मा जी, विभिन्न पदाधिकारी, अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट सेल है उनके सभी प्रमुख और सभी मेरे साथियों भाइयों और बातें आप लोगों के सामने रखी है, और इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को यहाँ पूरा करूँगा। केवल आप सभी लोगों से यही हमारी गुजारिश रहेगी कि ये हमारे 25वें स्थापना दिवस पर एक हम लोगों ने नया प्रण लेना है, एक नई ऊर्जा लेकर यहां से जाना है। प्रण हमें यह लेना है कि पार्टी का जो व्याप है, जो है हमारी आज इकाइयां जम्मू और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक है, गुजरात से लेकर मणिपुर तक है, आज पार्टी हमारी हर सूबे में, हर प्रदेश में आज वहां पर काम कर रही है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थापना के बाद अगर हम थोड़ा इतिहास देखें हमारे पार्टी का, तो हमारी पार्टी के विधायक हरियाणा में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक बिहार में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक आज झारखंड में है, पार्टी के विधायक हमारे असम में रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में रहे हैं, मणिपुर में रहे हैं, मेघालय में रहे हैं, आज नागालैंड में फिर से हमको नजर आ रहे हैं। हमारे पार्टी के हमारे विधायक महाराष्ट्र में तो आप सब जानते ही हैं, हमारे पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में रहे हैं, छत्तीसगढ़ में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक आंध्र प्रदेश में रहे हैं, गोवा में रहे हैं, केरल में रहे हैं, आज भी है, हमारे पार्टी के विधायक गुजरात में रहे हैं, हमारे पार्टी के विधायक बंगाल में भी रहे हैं, तो आज ओडिशा में हमारे विधायक बहुत साल तक रहे। तो ये आपको एक अंदाज देता है कि पार्टी का व्याप कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से मणिपुर तक का कैसा है। और ये हमारा जो ये इतना बड़ा संगठन हम खड़ा कैसे कर पाए, तो उसके पीछे एक प्रेरणा लगती है, एक सोच लगती है, एक नेतृत्व लगता है, और वो सोच प्रेरणा और नेतृत्व हमको हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। केरल की सरकार में आज भी है और पहले भी, इसके पहले भी हम लोग रहे, हम लोग अनेक राज्यों की सरकारों में हम लोगों ने हिस्सा लिया है, ये भी हमारे लिए बहुत समाधान की बात है। और इसीलिए साथियों, आज जब हम देश की परिस्थिति को देखते हैं, आज जो पूरा चित्र नजर आ रहा है, उसमें स्वाभाविक है कि आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक अहम भूमिका निभाने की अब जरूरत निर्माण हुई। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद आज लगभग 9 वर्षों में जो लोग हुकूमत में हैं, उन लोगों ने किस तरह से इस देश के तंत्र को चलाने का काम किया है, और जिस तरह से आज देश में माहौल बन रहा है, तनाव का माहौल, आज मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, आज महाराष्ट्र में परसों के दिन दो समुदायों में लड़ाई झगड़े करने के प्रयास किए गए, कर्नाटक में हुआ, कहीं हिजाब की बात हुई, कहीं और बात हुई, इस देश के एक जो धर्मनिरपेक्ष जो हमारा एक चेहरा है, इस देश को जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके साथ कहीं ना कहीं बड़े पैमाने से खिलवाड़ हो रहा है। हमारे जो चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे, ओलंपिक जीते, कॉमनवेल्थ गेम जीते, हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां आज महीनों महीनों से अपने अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। इस देश के किसानों ने लाखों की संख्या में पिछले साल आपने देखा कि कितना संघर्ष किया, इस देश के लोगों के किसानों की मांग को रख के, किसानों के लिए अधिकार मांगने के लिए महीनों महीनों सालों तक उन्होंने सड़कों पर रहकर अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी ने भी उनके आंखों का आंसू पूछने के लिए या उनका हालचाल पूछने के लिए भी कभी किसी ने कोई फिक्र नहीं की, चिंता नहीं की। ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण परिसर ये आज हमारे देश का आज हमको चित्र नजर आ रहा है। आपको और हमको संगठित होने की जरूरत है, देश के हर पार्टी को संगठित होने की जरूरत है। ये चित्र आज धीरे धीरे और स्पष्ट नजर आते जा रहा है। कहते थे कि हम को कोई हरा नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता है, हम अजिंक्य है। तो आपने देखा कर्नाटक में, आपने देखा, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस देश के कई सूबों में आपको किस तरह का एक बदलाव का एक वातावरण नजर आएगा। ये बहुत ज्यादा देर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय पवार साहब के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार की स्थापना हुई, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तीनों
हमारी पार्टियों ने मिलकर वहां पर एक अच्छी सरकार देने का काम हम लोगों ने किया, लेकिन वो सरकार को किस तरह से अनैतिक तौर से बर्खास्त करके और दूसरी सरकार वहां पर बिठाने का काम किया, ये लोग भी, ये सारी बातें आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इस देश में 2017 में कर्नाटक में सरकार जो आई थी वो कांग्रेस और जेडीएस की थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सरकार हटाई गई और वहां पर बैठी सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी थी। वही परिस्थिति 2018 में मध्य प्रदेश की थी, वहां पर भी सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन उस सरकार को भी अनैतिक तरीके से हटाकर वहां पर फिर से बीजेपी की सरकार बिठाई गई। इस तरह के दाव षड्यंत्र गोवा में भी हुए, अनेक राज्यों में हुए, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश में जीत कर नहीं लेकिन अनैतिक तौर पर सरकारें वहां पर स्थापना करने का काम किया। मित्रों, 8 महीने के बाद आप और हम सब लोग आगे आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग व्यस्त होने वाले हैं। इस देश के तमाम राजनीतिक पार्टियों में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू है, उन सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार का मुकाबला किया जा सके, इसके लिए चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, और उस मंथन में, उस चर्चा में, उस पूरी जो मुहिम है उसमें आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता शरद पवार साहब के एक बहुत बड़े केंद्र स्थान है, वो बहुत बड़े आज बीच में एक कड़ी है जो सारी राजनीतिक पार्टियों को, विरोधी पक्ष की राजनीतिक पार्टियों को एक जगह लाने का काम कर सकते हैं। और इसीलिए अभी आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जी हो, ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, एनसीपी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अखिलेश जी हो, अनेक जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सबका नाम मैं नहीं ले रहा हूं, आगे आने वाले 2024 का चुनाव ये कोई असंभव चुनाव नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम हमेशा के लिए यहां पर आए हैं, हमारी कोई यहाँ पर देश के लोगों ने ठेकेदारी दी है, ऐसा कहीं, ऐसा कोई संभव नहीं होता है। कई आए, कई उदाहरण है इस देश में और विश्व में जहां पर बड़ी बड़ी ताकतें थी लेकिन कैसी आई और एक हवा के धोखे के साथ वहां पर भी परिवर्तन हुआ, ऐसा परिवर्तन 2024 में इस देश में होगा, और उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी की एक बहुत अहम भूमिका रहेगी। ये काम, ये जिम्मेदारी आपको, हमको, सबको मिलकर निभाना है। शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, खाली बातें करने से नहीं हो, खाली हम लोग इधर उधर की बातें करें और हम बोले कि भाई शरद पवार जी आगे बढ़ो, शरद पवार जी आगे बढ़ो, शरद पवार जी आगे कब बढ़ेंगे, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ेगी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज्यादा से ज्यादा सांसद हम चुनकर लाए, ज्यादा से ज्यादा विधायक अनेक अनेक अलग अलग राज्यों में हम चुनकर लाए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत जब तक हम लोकसभा में निर्माण नहीं करते हैं। आज हमारे 5 सांसद हैं, लेकिन 5 सांसदों के बाद आज हमारी पार्टी की आवाज लोकसभा में बुलंद है, राज्यसभा में बुलंद है, लेकिन इस आवाज की आखिर बुनियादी ताकत होती है संख्या, और संख्या ये बढ़ाना ये आपकी, हमारे सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। आप सब लोग एक हो, एकजुट होकर पार्टी का संदेश गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इस देश में न्याय, सामाजिक न्याय, आज अनेक लड़ाई हमारे लोगों के सामने चुनौतियां है, हमारी माइनॉरिटीज की लड़ाई है, ओबीसी की लड़ाई है, जो हमारे उज्जवल साहब पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में ही नहीं लेकिन पूरे देश में ओबीसी की लड़ाई आज लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज ये सब काम जब तक हम सफलता से नहीं करेंगे, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, लोग मानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को मानते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की चाहत है,
लेकिन उस चाहत को हमको वोटों के रूप में और विजय के रूप में हमको परिवर्तित करना, ये समय की मांग है। और इसीलिए साथियों, मैं आज के दिन आप सभी लोगों से इतना ही कहूंगा कि आदरणीय शरद पवार जी के हाथों को मजबूत करने का काम ये आज से ही हम सब लोग पूरी ताकत के साथ लग जाए और आगे आने वाले दिनों में अगला जब हमारा 25वां जब प्रजातंत्र दिवस हमारा स्थापना दिवस पूरा होगा और उसका कार्यक्रम होगा तो इस देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सरकार और देश में झंडा फहराएगा, यही हम लोगों को प्रण लेना है। आप सभी लोगों को पार्टी के इस स्थापना दिवस के निमित्त बहुत बहुत मेरे ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय पवार साहब ने मेरे जैसे व्यक्ति को अनेक वर्षों तक उनके साथ काम करने का मौका दिया है, मैं उनका भी अपने ओर से आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आपकी रजा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राष्ट्रवादी, जय राष्ट्रवादी, जय राष्ट्रवादी। पहली कांग्रेस का शिक्षक सभी साथी सही रखते अपना दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज का एक ऐतिहासिक दिन है। 19 साल पहले मुंबई में ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में लेकर एक नए भारतीय किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की हितों की रक्षा रखने के लिए, इनकी समस्या हल करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होती है। और ये काम शिवाजी पार्क मैदान में हुआ और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ। देखते हुए काम करते करते 24 साल खुले हुए और आज हम 25 साल में प्रवेश कर गए। मैं ये स्थिति भंगा करने के लिए, ये कामयाबी के लिए हजारों साथियों ने मेहनत की, अपना खून पसीना दे दिया, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्थिति का सामना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को करना, कभी कई राज्यों में हम हुकूमत में थे, केंद्र सरकार में हमारे साथी संसद भाई, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करते थे, काम करके जनता की सेवा कर बैठा होता। फिर से सही समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मिला। आज देश के नॉर्थ ईस्ट यहाँ सैन्य चारों से कुछ न कुछ राज्यों में हमारे साथियों से उतर आते थे और आज मुझे खुशी है कि नागालैंड जैसा एक महत्वपूर्ण राज्य वहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 7 साथी विधानसभा प्राप्त हुए और इसलिए इनको धन्यवाद देने उनका अभिनंदन करना मैं मेरा फर्ज समझता था। आज देश में एक अलग माहौल पैदा करने की जरूरत होगी, जिनके हाथ में देश की हुकूमत है इन लोगों से शुरू है। कई सांप्रदायिक विचार उसको महत्व देना, जो समाज के छोटे तबके हैं उनका ज्यादातर माहौल पैदा करना, महिलाओं के ऊपर
अत्याचार होते है, इसकी स्थिति पैदा करना, यही काम आज जिनके हाथ में देश की हुकूमत है, इन भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों ने किया। अत्याचार चाहे महिला के ऊपर हो, अल्पसंख्यक के ऊपर हो, दलित अधिवेशन के ऊपर हो, जगह जगह पर ये स्थिति आज देखने के लिए मिलती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद समाज के छोटे छोटे है उनका हित की रक्षा करना के बाद भारतीय जनता पार्टी मानती नहीं, अपने हाथ में जो हुकूमत के अधिकार है इसका गैर इस्तेमाल कैसे करना, ऐसी बात उन्होंने देश के सामने की। आज देश के 50% से ज्यादा आबादी किसानों की है कि जो धरती में रहने करके देश की भूख की समस्या हल करने के लिए अपना खून पसीना दे कोई इंतजाम था। आज देश का किसान संकट में है और चाहता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की आवश्यकता है। जहाँ तक महिलाओं की बात है, ये बात मैंने कही मगर साथ तक नई पीढ़ी की स्थिति का है। आज देश की नई पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या है और वो समस्या बेरोजगारी है। काम करने के लिए चाहे वहां जाने के लिए तैयार है मगर उनको मौका मिलता नहीं। देश के हुकूमत में है मगर देश के आम नागरिक हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी या दलित हो, उनको पता लगा है कि ये हुकूमत हमारे हितों की रक्षा करने के लिए गई है। और इसीलिए 5 साल पहले या 9 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की हुकूमत आ गई, मगर आज आम जनता को यह अंदाजा आया है कि यह हुकूमत जिन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे इस वायदे पूरे करने के लिए ये लोग नजरअंदाज हो रहे, कोई कामयाब हो नहीं रहे। और इसीलिए कई राज्यों में आज लजाव की स्थिति देखने के लिए मिलती है। तमिलनाडु में जाइए, महा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत गई। कर्नाटक का चुनाव होगा, महा भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पे। आज आंध्र में देखो साथ कई ऐसी राज्य है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, ऐसे कई राज्य झारखंड हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने का काम वहां की जनता ने किया है। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी आई है, जैसे सुखन भाई ने कहा, चाहे गोवा हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं थी। मध्य प्रदेश ने कमलनाथ की हुकूमत थी, मगर वहां MLS को छोड़कर रिश्वत देकर गलत रास्ते पर जाकर इस सरकार को तोड़कर ये हुकूमत हाथ में लेने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो लोगों को पसंद नहीं। और इसीलिए जो कुछ गलत काम करते हैं, राज्य के देश के हितों की रक्षा करते हैं, उनको दूर रखना आपका द्वारा मेरा संकल्प है। चुनाव के बाद एक नया माहौल देश में फायदा हो गया, जनता पार्टी की हुकूमत आई थी। आज वही स्थिति देश में जीने लगी है। और इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, तो अलग अलग विचारों के मगर कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम पर आगे जाने के लिए तैयारी रखने के लिए सब विपक्ष के लोगों को इकट्ठा करके जाना पड़ेगा, मिलकर हाथों में हाथ कंधे में कंधा लेकर लोगों के सामने देना जाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है
कि देश की जनता पहली अवसर के लिए सभी भाषण होना करेगी। करके 23 तारीख को हम सब लोग बिहार में जाकर मिलेंगे, लगेंगे, एक कार्यक्रम तय करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पूरे देश में घूमकर लोगों के सामने वो कार्यक्रम रखेंगे और पहले से का नक्शा देश के साथियों को देकर ये देश का नक्शा हो जाएगा, इस पर हम ध्यान देंगे। यही विश्वास में यह वक्त करना हो और ये करना हो तो संगठन मजबूत करने की जरूरत है। जैसे महफूज भाई ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसका संगठन चाहे नौजवान हो या हमारे युवक हो, हमारे महिला हो, हमारे युवा हो, हमारे अल्पसंख्यक हो और हमारे किसान और बाकी सब देश है, सभी लोगों ने मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देता हूँ और आपकी इजाजत देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। उन्हें मजबूत करने का काम हम सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा और इसीलिए हमने कुछ साथियों के ऊपर उसके कुछ जिम्मेदारी देने का तय किया। जैसे तो खुद पटेल आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वैश्विक प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दे रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले और उनके सदस्य उनको भी हम वैश्विक प्रेसिडेंट करते हैं। हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड लोकसभा का प्रोडक्शन ये काम शुरू के ऊपर रखे हैं। सुप्रिया तो तुम आगे बढ़ो, सुनील तटकरे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उनके पास उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और नेशनल कमिटी स्टेशन कॉन्फ्रेंसेस, इलेक्शन कमीशन के इशू, किसानों के इशू, माइनों के विभाग में ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइजेशन सेवा में और दिल्ली स्टेट की अध्यक्ष की जिम्मेदारी, के शर्मा नेशनल जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो हिस्सा वो हिस्सा उठाने के लिए ये टीम आप सबको सहयोग देगी और ही उनको सहयोग देंगे। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत देता हूँ। नमस्कार। राष्ट्रगान होगा, उसके बाद जिसको भी स्वागत करना हो करता है। अभी मैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के शर्मा जी से कहूंगा आप आभार प्रदर्शन सबके ओर से आज के कार्यक्रम। इसके पश्चात राष्ट्रगीत, सभी लोग अपनी जगह पर बिना कोई आवाज कोई रिकॉर्ड करे यहाँ पर खड़े रहेंगे। आदरणीय पवार साहब,
हिंदुस्तान के नौजवानों के और उत्तर प्रदेश के अंदर खासतौर से मार्गदर्शन देने वाले हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकप्रिय नेता आदरणीय माननीय प्रभु पटेल साहब यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण माननीय पैदल साहब माननीय जी